छत्तीसगढ़ की एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शनिवार को भिलाई निवासी कबड्डी खिलाड़ी खुशबू ओपन टूर्नामेंट खेलने महाराष्ट्र गई हुई थी। उनके साथ 17 खिलाड़ियों का दल भी था। अचानक रात को खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ गई, तुरंत उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक खुशबू 17 खिलाड़ियों की टीम के साथ कबड्डी ओपन टूर्नामेंट खेलने शनिवार को महाराष्ट्र के भेजपारा के लिए निकली थी। रात को खाना खाने के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, फिर उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि खुशबू ने शनिवार रात भेजपारा पहुंचने के बाद अपने माता पिता को कॉल भी किया था। परिजनों से बातचीत के बाद खुशबू ने रात का खाना खाया, कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 15 साल की कबड्डी प्लेयर खुशबू की मौत के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अचानक सीने में दर्द होना, फिर खिलाड़ी की मौत के बाद मामला संदिग्ध माना जा रहा है। बता दें कि जब भी खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए बाहर जाते हैं तो उनका मेडिकल के साथ फिटनेस चेक किया जाता है, उसके बाद ही खिलाड़ी को खेलने की अनुमति दी जाती है। शनिवार की रात तक खुशबू की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, खाना खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी। इस दिशा में अब जांच की जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बताया जाता है कि खुशबू शासकीय स्कूल अंडा चौक में कक्षा 8वीं की छात्रा थी। वह स्थानीय कबड्डी टीम की प्रतिनिधित्व करती थी। स्कूल टीम की भी वह कबड्डी की बेहतर खिलाड़ी थी। खबर मिलते ही पिता सुदन प्रधान सहित परिवार के लोग गोंदिया पहुंचे। ग्रामीणों ने सभी भिलाई 3 में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शासन द्वारा कोई आपको भी सहायता मिली है? कुछ नहीं मिला। घटना कब हुआ? घटना कब हुआ? 5 तारीख 6 तारीख रात को। आज 7 है ना? 6 तारीख रात ही है ना? हाँ, 6 तारीख रात को 2 बजे अब फोन आया 4 बजे। कहाँ की घटना है? ये आम गांव की। आम गांव में भाई, अभी तक आपको कोई सहायता होता, कोई पुलिस प्रशासन आपके पास नहीं आई अभी तक? यहाँ नहीं है सर, वहाँ जो होगा वही होगा। अच्छा, आम गाँव कंप्लेन किए? यहाँ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। आपका नाम? आपका नाम? सुदन प्रधान। आपका नाम? ललिता प्रधान। मैं बताना ये चाहूँगा कि हमारा ये भिलाई खुर्सीपार क्षेत्र जो है जुग्गी झोपड़ी से है और यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जिस स्कूल से यह बच्ची वहाँ पर इस प्रतियोगिता में शामिल होने टूर्नामेंट खेलने गई थी, यहाँ से कोई कोचर नहीं जाने की वजह से, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं जाने की वजह से, मैं पूरा का पूरा मामला समझता हूँ कि उस कोचर के ऊपर पर निर्भर करता है कि अगर शायद वह व्यक्ति वह कोचर उनके साथ में रहता तो आज इस बच्ची की, इस प्रतिभा की, भिलाई की, इस लाडली की जान नहीं जाती। और मैं शासन प्रशासन से भी विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि यह परिवार आप लोग देख रहे होंगे वाकई में बहुत ही गरीब है और बहुत ही जटिल समस्याओं से निकलकर उस बच्ची को जगह जगह पर जो है टूर्नामेंट और खेल में शामिल होने के लिए भेजता था। कुछ आर्थिक रूप से मदद इस परिवार की अवश्य होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र से और भी जो बच्चियाँ हैं जो ऐसे खेलों में जाते हैं और उनकी उनके अंदर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वे खुलकर सामने जो है आ सकें और अपनी प्रतिभाओं का जो है प्रदर्शन कर सकें। नाम बोलिए आपका? मेरा नाम बबलू चौबे। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं खुर्सीपार में ही निवास करता हूँ। वार्ड पार्षद। मेरा ये मानना है कि अगर कोच अपनी जिम्मेदारी जो सही ढंग से निर्वाह किया होता तो वो बच्चे हमारे बीच में रहती। हर परिवार का एक सपना होता है मेरे बच्चे कुछ लायक बन जाए। आपने देखा होगा ये परिवार या इनकी इनको देख के इस परिवार की हालत जो आप समझ सकते हैं। इस परिवार को पूरी उम्मीद थी वो बच्ची भी उस लायक थी। वो हमारे प्रदेश के प्रतिनिधित्व कर रही थी, कबड्डी बहुत अच्छा खेलती थी। केवल आज हमारे बीच में वो इसलिए नहीं रही क्योंकि उस समय पर उसको इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई। वह कोच, मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रकाश राव जी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निर्वाह किया होता, वो अगर उस जगह पे होता तो वो जाके उसको सही टाइम पे इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में ले गया होता तो बच्ची यहाँ जीवित अवस्था में आज रहती, वो माँ आज रो रही नहीं होती।
वो पिता की आंखों में आंसू नहीं होता। और ये पूरा मोहल्ले इस बात को पूरा गमगीन है कि एक प्रतिभाशाली बच्ची जो थी, जिसको देख के हमें ये लगता था कि भविष्य में ज़रूर हमारे मोहल्ले का नाम रोशन करेगी, उससे वंचित हो गया हमारा मोहल्ला। मैं भी जैसे हमारे बबलू भाई बोले, मैं इस परिवार की माली स्थिति, आर्थिक स्थिति को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं भी करबद्ध विनती करता हूँ प्रशासन से कि वो यथासंभव इस परिवार का आर्थिक रूप से कोई मुआवजा देने का, उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करे, ताकि वो बचे हुए जो बचा हुआ जो छोटी बच्ची और है, उसका कम से कम पालन पोषण में वो लोग को थोड़ा आसानी हो, सरलता हो। बस मैं यही चाहूँ। मैं काली प्रसाद, वार्ड 35, कुर्सी पार्षद। पार्षद है क्या? मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, पत्नी है मेरी पार्षद। केदार भैया ये समझ गए दादा, इस पूरे घटनाक्रम में मैं सीधा शासन प्रशासन को यह सूचना देता हूँ कि इस तरह की जो भी घटनाएं घट रही है आज प्रदेश में, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, जिससे हमारे क्षेत्र की बच्चे जिनका प्रतिभा छिन रहा है, शोषण किया जा रहा है शासन की ओर से, कोचों के द्वारा उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, स्कूल प्रबंधन भी इसके जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ से बच्ची गई है स्वस्थ थी, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होते हुए आर्थिक रूप से सहयोग की अपेक्षा करते हैं हम शासन से, और इसकी उचित जांच हो, क्योंकि जब यहाँ से बच्चे खेलने के लिए गए, 17 बच्चे गए थे यहाँ से, 17 बच्चों ने लेके गया तो कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं था उनके साथ, क्योंकि पूरी लड़की लोग ही थी, उनमें कोई भी स्कूल की तरफ से या जो कोच है उनके तरफ से पुरुष प्रधान भी होना चाहिए था, जो नहीं था, और यही व्यक्ति उस बच्ची के मौत का संदेह को भी जाता है। क्या वो पूरी टीम वापस आ गई है? पूरी टीम आ गई है, लेकिन हमारे कहना है कि एक जब तक यहाँ से आप टोली बना के लेके गए तो जिम्मेदार व्यक्ति होनी चाहिए। लड़कियाँ हैं वो अपने हिसाब से वहाँ से गए और वहाँ क्या खाए क्या, रात को जब जैसे बता रहे थे खिलाड़ी लोग कि रात को एक आध बार उल्टी हुआ, तो उसको जब उल्टी हुआ तो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे खिलाड़ी में, तो वो अपने हिसाब से उन बच्चे का इलाज उलाज मालिश उलिश तेल लगाना क्या हुआ करके करें, लेकिन वहीं अगर हमारे जो जहाँ से भिलाई से जो गया हुआ टीम का जो कोच रहता या प्रभारी रहता तो तत्काल डॉक्टर से बात करके उसका इलाज कराता, नहीं हो पाया, जिसके कारण उस बच्ची का अकाल मृत्यु हो गया। यह बहुत दुखद घटना है। मैं परिवार की ओर से शासन से निवेदन करता हूं, खेल विभाग से निवेदन करता हूं, इसको इस बच्ची के परिवार को उचित मुआवजा मिले, क्योंकि यह बहुत सर्वहारा परिवार है, गरीब परिवार है, इनको अगर आर्थिक संबल प्रदान करेंगे तो जो और जो दो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में और पढ़ाई लिखाई में उनको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जो ये हादसा हुआ है ये जो है स्कूल वालों की वजह से हुआ है, और जो कोचर गया था उस कोचर को कम से कम गाड़ी की सुविधा, बच्चों का देख रेख समय पे हर चीज़ का ध्यान देते हुए घर वालों को कम से कम फ़ोन द्वारा बात करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा होता है हर कोचर के पास एक एक गाड़ी होना चाहिए, और बच्चों की देख रेख के लिए मेडिसिन अलग से दवाइयाँ ले कर साथ चलना चाहिए, हमेशा उनको रात से दिन को हर समय उनका हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आता है तो स्कूल का तो बहुत अच्छा नाम होता है, लेकिन जब उसका निधन हो जाता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं। मैं गुजारिश करूँगा कि जो है शासन और स्कूल वाले सभी अपने इस बात को ध्यान रखें। नाम बोलो। मेरा नाम रामप्यारे फौजी है, मैं आर्मी से रिटायरमेंट। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।